नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का सादर स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, आज दिनांक 15 दिसंबर 2018 का पंचांग और आज के दिन की आपका भविष्यफल बता रहा हूँ। पंचांग के बारे में आप सुने, विक्रम संवत 2075, शालिवार साके 1940, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दिन और रात्रि पर्यंत तक रहेगी। बुरवा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:13 तक है, बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। सिद्धि नाम योग रात्रि 1:50 तक रहेगा, बाद में व्यतिपात योग रहेगा। भद्राकरण शाम को 5:19 तक रहेगा, बाद में भवकरण रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि पर सायं 6:38 तक रहेगा, बाद में वो मीन राशि पर परिभ्रमण चंद्रमा का होगा। सूर्य बुध और बृहस्पति वृश्चिक राशि में है, मंगल कुंभ राशि में है, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क राशि में तथा केतु मकर राशि में आज की स्थिति में विद्यमान है। परिभ्रमण कर रहे हैं इन राशियों पर, ये नवग्रहों की का परिभ्रमण हो रहा है। अब आज के दिन का भविष्य आपको बताते हैं राशिवार। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ है। कोई शुभ समाचार से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक चिंताएं पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होने से दूर होंगे। वो भ्रमण को आप टालना चाहिए, हो सकता है कि भ्रमण से स्वास्थ्य पर प्रभाव रहे, तो इस कारण से भ्रमण को यथासंभव टालें। वृषभ राशि, अपने स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने कार्यों में गति मिलेगी, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और सहयोग के कारण से आपके कार्य में गतिशीलता आएगी। आज का दिन आपके लिए उपयुक्त है, परंतु अनावश्यक खर्च होने का योग बनता है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करने के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, मितव्ययिता का की आदत डालने का प्रयास करें और सफ़ेद अनाज का दान आपको अपने मंदिर पे या आवश्यकता प्रधान व्यक्ति को देना चाहिए। मिथुन राशि, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यर्थ भ्रमण नहीं करें, खर्च की अधिकता जरूर रह सकती है। सामाजिक कार्यदायित्व बढ़ेंगे, सामाजिक कार्यदायित्व में आपकी साझेदारी निश्चित रूप से प्रतीत हो रही है। अपने धार्मिक कार्य में व्यय होने के भी आपको योग आज के दिन प्रतीत हो रहे हैं, तो विशेष करके शुभ दिवस है क्योंकि धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। गणेश जी को हरा फल या हरी मिठाई अर्पित करने से शुभ फल की वृद्धि हो सकती है। कर्क राशि, आज मन में आपको अशांति रहेगी। आपकी राशि पर जो राहु का परिभ्रमण हो रहा है वह आपको थोड़ा तनाव दे सकता है, अपने कार्य में व्यवधान दे सकता है, व्यर्थ के विचार और तनाव रह सकते हैं। भ्रमण यथासंभव टाल दें। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजगता रहना चाहिए, सजग रहें, हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य विकार थोड़ा बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखें। सफ़ेद अन्न या दूध का दान देने से आपको चंद्रमा को प्रबलता मिलेगी, तो आपको निश्चित रूप से ये दान करना चाहिए, विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि, अपने स्वभाव के अनुरूप कार्यदायित्व के कारण संतोष वाला दिन है। आज आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता के बावजूद भी अपना स्वयं का जो कार्य है उसको व्यवस्थित कर सकेंगे, साथ ही सामाजिक कार्यदायित्व में भी आप आज के दिन में रुचि लेंगे। अधिक खर्च रहेगा, खर्च की अधिकता जरूर रहेगी और इसको इस पर नियंत्रण करने के लिए और दिन को में शुभ फल प्राप्ति के लिए आज आपको सूर्य का अर्घ देने के पश्चात ही दिन
के कार्यक्रमों में शुरुआत करनी चाहिए। सूर्य को दीपदान करें और उनके दर्शन करें और तथा उनको अर्घ दें। कन्या राशि, अपने रुके हुए कार्य समय पर आज पूर्ण होने की उम्मीद प्रतीत होती है। पुराने जो रुके हुए काम हैं पिछले दिनों के, उन कार्यों पर आपकी गति मिलने की उम्मीद लगती है। हालांकि आर्थिक संकट रहेगा, आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर हो सकेगा। आज आपको आर्थिक चिंताएं जरूर रहेगी। स्वास्थ्य में उदर विकार संभव है, शीत विकार भी संभव है और उसके कारण से आपका मन थोड़ा सा अप्रसन्नता व्याप्त रहेगी। भगवान विष्णु की आराधना आपको करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि, आप अपने कार्य के लिए जो विगत सप्ताह से चिंतित थे, आज उसके लिए उपयुक्त दिन प्रतीत होता है। आपकी भाग्य की वृद्धि भी होने की उम्मीद प्रतीत होती है। कोई स्थायी कार्य में स्थायित्व मिलेगा और जो स्थायित्व प्रधान व्यक्ति हैं उनके कार्य की सराहना होगी। अपने पारिवारिक चिंताओं और में से तो थोड़ा सा तनाव कम होगा, परंतु तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको शांति जरूर रखना चाहिए, विशेष रूप से उग्रता न रखें। अधिक भ्रमण करने के योग भी बन रहे हैं, तो ध्यान रख करके यात्रा करें। वृश्चिक राशि, अपने मित्रों से वैचारिक विवाद न हो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का दिन थोड़ा विवादग्रस्तता देता है। स्थायी संपत्ति के लिए व्यस्तता रहेगी और उसमें सफलता मिलने के भी कुछ आपको सूत्र प्राप्त होंगे, तो इसके लिए आप प्रयास करें। विशेष रूप से स्थायी संपत्ति के योग बन सकते हैं। अनावश्यक विवाद से जरूर फिर भी बचना चाहिए, ताकि आपके कार्य में थोड़ी सफलता की का प्रतिशत बढ़ जाए। और इसके लिए हनुमान जी के दर्शन और पूजन करने के उपरांत ही दिन के कार्य को आरंभ करना चाहिए। धनुराशि, आपकी अपने कार्य में व्यवसाय के बारे में प्रसन्नता देने वाला समाचार प्राप्त होगा। अपने मित्रों की ओर से संतोष प्राप्त होगा। संतान की प्रगति के लिए प्रयास करें। संतान की प्रगति अभी अवरुद्ध है, जो विशेष रूप से आप चिंतित हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु की पूजन करना आपको विशेष करके लाभप्रद रहेगा। आज का दिन शुभ रहेगा। मकर राशि, आज के दिवस में व्यय अधिक होगा, लेकिन सोचे हुए कार्य आधे पूर्ण हो सकेंगे और कुछ अगले दिनों के लिए टल सकते हैं। भ्रमण से अधिक लाभ होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के द्वार खुलने की वो संभावना बनती है। व्यावहारिक जीवन सुखमय रहेगा। आज के दिन की शुभ फल की वृद्धि के लिए शनि मंदिर पर दर्शन करना या शनि को तेल का दान देना उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, अपने सभी कार्यों में गति मिलेगी। भ्रमण अधिक होगा। दिन में कार्य की व्यस्तताएं अधिक रहेगी। पारिवारिक सुख भी आज का दिन उत्तम रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष जो है वो भी विशेष रूप से अप्रत्यक्ष शत्रु ऐसे रहेंगे जिनकी चिंताएं रहेगी, परंतु आपको नुकसान दे स्थिति नहीं बनेगी। उसके लिए आपको विशेष करके सावधानी रखना जरूरी है। मीन राशि, अपने कार्यों में आज बाधाएं आएगी। आपकी रुकावटें जो है, आने का जो कारण है वो आपकी चिंताएं या आपके आलस्य भी हो सकते हैं। दिन में आपको अपना कार्य में गति देने की प्रयास करना चाहिए, ताकि विशेष रूप से कार्य पूर्ण संपन्न हो सके। पारिवारिक जीवन भी उत्तम रहेगा, लेकिन कार्य की स्थिति के लिए आपको गुरु का दान अथवा पीपल को जल चढ़ाना ये आवश्यक रहेगा। ये चढ़ा करके अपने कार्य को आरंभ करें, ताकि समय पर सफलता प्राप्त हो सके। आज का दिन मंगलमय हो सभी को। ये शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर हेमचंद्र पांडे। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है।
धन्यवाद आपके समय के लिए।